आपको किसने बताया? मैंने बता चुका हूं कि हम वापस आ रहे हैं। कस्टडी प्रोसेस मुकम्मल होने तक यूसुफ शेल्टर होम में रहेगा। जी बिल्कुल, आपको इन पेपर्स पर भी साइन करने होंगे। मेरी जान, बिल्कुल डरना नहीं है जान। ये जो अंकल और आंटी है, मैं बिल्कुल भी नहीं डरता। अंकल ने मुझे सब बताया है ना अंकल? पता है खाला, मैं थोड़े दिन के लिए जाऊंगा और फिर वापस आ जाऊंगा आपके पास। बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैंने अंकल के साथ अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट भी लिए हैं, उन्हें गिफ्ट पसंद आएगा ना? पसंद आएगा उन्हें मेरी जान, क्यों नहीं आएगा? शाबाश है तुम्हें मेरी जान। लेकिन खाला, आप मेरे जाने से रोएंगी नहीं? ठीक है, रोऊंगी नहीं। आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी खाला, मेरे वापस आने तक इंतजार करेंगी, ठीक है ना? परेशान नहीं होना, तुम्हारा यही इंतजार करूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस, मैं यहां से कहीं भी नहीं जाऊंगी। जैसा मैंने तुमसे कहा, मैं अपने भतीजे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और बहुत जल्द हम फिर से साथ होंगे। शुक्रिया अदा करने आई हूं। यूसुफ को वापस लाना तुम्हारे लिए मुश्किल था, जानती हूं मैं, जब मैं जंगल में अकेले उठी तो इतना घबरा गई कि शायद ही पहले इतना घबराई होंगी। दोबारा ये सब बर्दाश्त करना नहीं चाहती हूं। यूसुफ के बगैर जिंदगी तसव्वुर करना भी मुमकिन नहीं है अब मेरे लिए। खुदा के लिए दोबारा ऐसा इम्तिहान ना लेना।
मैंने जो किया यूसुफ की खातिर किया। मेरा कोई दूसरा मकसद नहीं था और तुम ये जानती हो। पुलिस वाले आए यमान, वो मिलना चाहते हैं तुमसे। इस बार बच्चे के अखबारों से जबरदस्ती रखने की रिपोर्ट है करीब वाली। मुझे लगता है कोई गलतफहमी हो गई है फिरात, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। तुम दखल मत दो। जहर की तरह तुम्हारे बात करने का मौका नहीं, यमान गुस्सा होगा। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, जैसे पहले कहते वैसे इस बार भी चले जाओ।